तो इस वीडियो में हम बात सरकार के 5 दावे और उनकी हकीकत की करेंगे। दावा नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सख्त आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, एलओसी पर दुस्साहस का जवाब, अनुच्छेद 370 को ट्रिपल तलाक को खत्म करना निर्णायक सरकार के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? एलएसी पर चीनी घुसपैठ और चराई क्षेत्र का नुकसान और पेट्रोलिंग क्षेत्र सुरक्षा में सरकार की नाकामी को दर्शाता है। हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर देश में तीसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी वाला क्षेत्र बन गया है। नोटबंदी के बाद जम्मू कश्मीर को भारी आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। ये सरकार की नाकामियां हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा, सुली डील्स के माध्यम से कर्नाटक और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मामले सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। अब सरकार का दावा नंबर 2 सुनिए। साल 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का जाल 7 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH का नेटवर्क भी 55% बढ़ा है। देश की 99% बस्तियां अब सड़कों के जाल से जुड़ गई हैं। ये सरकार का दावा है, इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बताती हूँ। साल 2014-15 की तुलना में साल 2021-22 में NHAI का कर्ज 14 गुना बढ़ा है। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए जो फंड अलॉट किया गया था उससे कम इस्तेमाल में लाया गया है। साल 2021-22 में सड़कों के बनने के काम में भी काफी हद तक कमी आई है। अब सरकार का दावा नंबर 3 क्या है मैं आपको ये बता दी। पीएम घाटी शक्ति के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लाने में मदद मिली है, ये सरकार का दावा है। अब हकीकत क्या है वो सुनिए। प्रोजेक्ट अथॉरिटी और स्पेशल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की कमी ने योजना के क्रियान्वयन को कठिन बना दिया है। अभी जो परियोजनाएं चल रही हैं वो नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं है। दावा नंबर 4 क्या है? पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने 3,50,00,000 परिवारों को पक्का मकान दिया है। गरीबों को रसोई, गैस, बिजली, शौचालय, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं और राहत दिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है? साल 2022 में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी की गई है। साल 2022 में उज्ज्वला योजना के 9,34,00,000 लाभार्थियों में से केवल 2 करोड़ लाभार्थियों ने ही रिफिल कराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास तयशुदा समय यानी कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उसमें पूरा नहीं हो सका और इसीलिए PMAY को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 2022 से अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। सरकार का झूठ नंबर 5 सुनिए। छोटे कारोबारियों को पहली बार बैंकिंग से जोड़ा गया है। पीएम स्वनिधि के तहत 40 लाख वेंडर को ऋण यानी कि लोन दिया गया है। हकीकत क्या है? पश्चिम बंगाल जैसे TMC शासित राज्यों में लक्ष्य के केवल 5% लोगों तक ही इस योजना का लाभ पहुंच सका है। CPM के नेतृत्व वाले राज्य यानी कि केरल में ये मात्र 8% तक ही पहुंचा है। आप शासित यानी कि दिल्ली में 26% लोगों तक ही इसका लाभ पहुंच सका है। आरोप है कि योजना के तहत 75% लाभार्थी केवल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो ये थे सरकार के 5 झूठ और उसकी हकीकत। ऐसे ही और 5 झूठ आपको अगले वीडियो में बताएंगे।